हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल इन दिस वीडियो वी विल बी स्टार्टिंग विद द न्यू चैप्टर ऑफ क्लास ट्वेल्थ इंटीग्रेशन सो बिफोर प्रोसीडिंग विद इंटीग्रेशन आपको मैं बताना चाहती हूँ कि आपको पता ही होगा कि हमने लास्ट वीडियोस में डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव्स ऑलरेडी पूरा कंप्लीट कर लिया है सो so, उसके बाद हम इंटीग्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन जो है वो बहुत ज्यादा रिलेटेड टू ईच अदर है अगर आप इंटीग्रेशन स्टार्ट कर रहे हो तो प्लीज कीप इन माइंड कि आपको डिफ्रेंसिएशन पहले से ही आना चाहिए इन केस आपको डिफ्रेंसिएशन नहीं आता कि कैसे हम फंक्शंस का डेरेवेटिव निकालते हैं तो आई वुड रिकमेंड यू कि आप पहले डिफ्रेंसिएशन समझो देन प्रोसीड विद इंटीग्रेशन बिकॉज अगर आप डिफ्रेंसिएशन नहीं समझोगे आप डायरेक्टली इंटीग्रेशन से स्टार्ट करोगे तो इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि इंटीग्रेशन होता क्या है हम कैसे फंक्शन के इंटीग्रेशन निकालेंगे बिकॉज इंटीग्रेशन इट सेल्फ एक डिफ्रेंसिएशन से ही डिराइव हुआ है तो अगर आपको इंसियेशन नहीं आता तो आप इंटीग्रेशन नहीं समझ पाओगे सो प्लीज फर्स्ट गो एंड अंडरस्टैंड वट डिफ्रेंसिएशन इज डिफ्रेंसिएशन और उसके सारे लेक्चर नोट्स मैंने की प्ले का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी एड कर दिया है अगर आपको कुछ भी डिफ्रेंसिएशन में डाउट है तो प्लीज आप पहले डिफ्रेंसिएशन की सारी वीडियो सारे टॉपिक्स समझ लो एंड देन मूव विथ इंटीग्रेशन सो लेट स्टार्ट की इंटीग्रेशन होता गया बेसिकली आपको पता ही होगा क्योंकि आपने डिफ्रेंशिएशन और डेरीवेटिव ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि अगर हम किसी भी फंक्शन का लेट से हमने एफेक्ट्स निकालते हैं उसका अगर हमें डिफरेंशियबल करना होता है कि हमारा एक फंक्शन जो है वो डिफरेंशियबल है एक इंटरवल जो हमें गिवन होता है लेट से हमने स्टेटमेंट में z कंसिडर किया है बट किसी भी इंटरवल में अगर हमारा फंक्शन डिफ्रेंशियबल होता है तो उस फंक्शन का डेरिवेटिव जो था हम डिनोट करते थे एज एफ डैश एक्स वो हमारा एग्जिस्ट करेगा उस इंटरवल के हर एक पॉइंट पे। इसका मतलब ये है कि जब आप किसी फंक्शन एफ एक्स का डिफरेंशिएशन निकालते हो या डेरिवेटिव निकालते हो तो आपको पता है कि उसका डेरिवेटिव को हम यूजली डिनोट करते थे एज एफ डैश एक्स सो आपके पास एक क्वेश्चन आएगा कि मैंने आपको बताया पहले कि इंटीग्रेशन जो है वो डेरिवेटिव से ही रिलेटेड है तो अगर आपको पता है कि आप एफ डैश एक्स निकाल रहे हो एफ फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल के तो आपके पास एक क्वेश्चन आता है कि अगर हमारे फंक्शन का डेरिवेटिव दैट डेरेवेटिव दफ अगर हमें गिवन हो उस केस में क्या करेंगे विल इट बी पॉसिबल कि हम उस डेरिवेटिव से हम अपना ओरिजिनल फंक्शन एफ एक्स निकाल लें क्या ये पॉसिबल होगा तो यस ये, ये आपका पॉसिबल है अगर आपके पास एफ डैश एक्स है तो आप उसका फंक्शन ओरिजिनल फंक्शन अपना निकाल सकते हो विद द यूज ऑफ इंटीग्रेशन किससे विद द यूज ऑफ इंटीग्रेशन का सो so, आप इंटीग्रेशन का यूज करके अपना एफ डैश ओरिजिनल फंक्शन डेरिवेटिव निकाल सकते हो इंटीग्रेशन को ना हम एज एंटी डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन भी क्या कहते हैं क्या कहते हैं हम इसको एज एंटी डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन आपको वर्ड से समझ आएगा कि ये एंटी डेरिवेटिव क्यों होता है क्योंकि जब आप एक फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल रहे हो F -x, कोई भी फंक्शन का जो आप डेरिवेटिव निकाल रहे हो उस डेरिवेट से आप ओरिजिनल फंक्शन में जा सकते हो विद इंटीग्रेशन तो आप क्या कर रहे हो बेसिकली आप बेसिकली अपने डेरिवेटिव का एंटी डेरिवेटिव ही तो ले रहे हो ओरिजिनल फंक्शन निकालने के लिए सो so आप समझे कि इंटीग्रेशन और डेरीवेशन डेरीवेटिव हमारे कैसे रिलेटेड है इंटीग्रेशन को ना हम एज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंसिएशन भी कहते हैं क्या कहते हैं हम इंटीग्रेशन जो है ज ऑल्सो नोन एज एंटी डिफ्रेंसिएशन आप इंटीग्रेशन को आज एंटी डिफ्रेंसिएशन भी बोल सकते हो ओके okay, या या इसको क्या हम बोल सकते हैं एज इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंसिएशन क्या बोल सकते हैं इन्वर्स क्या बोल सकते हो इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंसिएशन ओके सो ये समझ आया आपको इंटीग्रेशन आपको याद होगा जब हम डिफ्रेंसियन निकालते थे जनरली जैसे अगर हमें फंक्शन ऑफ एक्स गिवन है अगर हमें उस फंक्शन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव निकालना है तो हम क्या करते थे हम डी बाई डी एक्स करते थे उस फंक्शन ऑफ एक्स का तो हमारा क्या आता था हमारा एफ डैश एक्स आता था अब आपको इसी एफ एक्स से आपको ओरिजिनल फंक्शन निकालना है कैसे इंटीग्रेट करके इंटीग्रेशन को ना हम जैसे डेरिवेटिव को डी बाई डी एक्स अगर एक्स की टर्म में कर रहे हैं तो ऐसे रिप्रेजेंट करते थे तो हम डिफ्रेंसिएशन को ऐसे रिप्रेजेंट करते थे अगर हमें इंटीग्रेशन का बताना है तो बेसिकली इंटीग्रेशन जो होता है इट इज डिटोटेड बाय इसको ना हम एक नोटेशन की तरह डिनोट करते हैं कैसे ऐसे डिनोट करते हैं यूजली हम इंटीग्रेशन को ऐसे डिनोट करते हैं ओके okay, सो so हम बेसिकली अगर हमारे पास एक फंक्शन है जैसे हमें पता है हमें गिवन है हमें एक फंक्शन एक्स का इंटीग्रेशन है तो हम क्या करेंगे हम जैसे डेरिवेटिव में डी बाई डी एक्स करके फंक्शन ऑफ x का निकालते थे हमें कुछ नहीं करना हम ऐसे ही अपना इंटीग्रेशन डिनोट करेंगे और उसके अंदर हमें जैसे इस फंक्शन x का हमें डिफेंसियशन निकालना है किसकी टर्म में जैसे हम डिफेंसिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन अगर हमें विद रिस्पेक्ट टू x करना होता है तो हम डी डी डीएक्स को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसका जो भी इंटीग्रेशन लेते जी एक्स आया तो हम ये हमारा इंटीग्रेशन होगा फंक्शन ऑफ x का ओके तो हम यूजली ऐसे डिनोट करते हैं अब हम समझते हैं टाइप ऑफ इंटीग्रल्स इंटीग्रल के टाइप्स क्या होते हैं इंटीग्रेशन के टाइप्स क्या होते हैं तो टाइप्स ऑफ इंटीग्रल्स यूजली इंटीग्रल्स के ना दो टाइप होते हैं एक होता है हमारा इनडेफिनेट इंटीग्रल और होता है डेफिनेट इंटीग्रल तो पहला है हमारा इनडेफिनेट इंटीग्रल ओके सो इनडेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है इनडेफिनेट इंटीग्रल्स हमारे वो इंटीग्रल्स होते हैं जिसमें हमें लिमिट नहीं गिवन होती और कोई लिमिट अप्लाई नहीं कौन उन इंटीग्रल्स का जब हम इंटीग्रेशन निकालते हैं तो उसमें हमारा एक मैंडेटरी कॉन्स्टेंट एड हो जाता है कैसे मैं समझाती हूँ बेसिकली इसकी डेफिनेशन होती है इनडेफिनेट इंटीग्रल्स की कि इंटीग्रल्स इन विच नो लिमिट्स आर अप्लाइड कोई लिमिट नहीं अप्लाई हो रही एंड मैंने बताया हैजेटरी कॉन्स्टेंट जो हम एड करते हैं इंटीग्रल को आर्बिट्री कॉन्स्टेंट एडेड टू द इंटीग्रल्स एडेड टू इंटीग्रल तो ये हमारे होते हैं इंडेफिनेट इंटीग्रल में एक निकाल के एक स्टैंडर्ड फॉर्म बताती हूँ इंडेफिनेट इंटीग्रल का जैसे में आपको बताया हम इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे नोटेशन से अगर हमें एक फंक्शन ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी एक्स के टर्म में हम निकाल रहे हैं तो इसका से इंटीग्रेशन आया जी ऑफ एक्स ये इनडेफिनेट इंटीग्रल है कैसे कोई लिमिट नहीं गिवन हमें इसमें तो जो इसका आया साथ में हमें एक आर्बिट्री कॉन्स्टेंट एड करना होता है हर इंडेफिनेट इंटीग्रल में क्योंकि हम ये किसी बाउंड्री या किसी लिमिट में इंटीग्रेशन नहीं निकाल रहे तो क्या होता है कि जब हम किसी बाउंड्री या लिमिटेशन में नहीं निकालते तो जब उस फंक्शन का इंटीग्रेशन निकलता है साथ में हमारा एक कॉन्स्टेंट भी एड होता है क्योंकि ये हमारे इनडेफिनेट है ये हमारा डेफिनेट सोल्यूशन नहीं आया साथ में कुछ कॉन्स्टेंट भी आएगा तो कॉन्स्टेंट हमें जब पता ही नहीं है तो हम एक कॉन्स्टेंट सी के साथ डिनोट कर देते एक आर्बिटरी कॉन्स्टेंट जो हमें पता नहीं एक्चुअली में क्या वैल्यू है सी की ओके okay? ये होते हैं हमारे इनडेफिनेट इंटीग्रल्स नेक्स्ट है हमारे डेफिनेट इंटीग्रल ओके नेक्स्ट है हमारे डेफिनेट इंटीग्रल डेफिनेट इंटीग्रल्स जो होते हैं डेफिनेट से आपको पता चल रहा है कि कुछ डिफाइंड वैल्यू है उनकी तो डेफिनेट इंटीग्रल्स में जहां पे हमें लिमिट्स गिवन होती है फंक्शन की जिसके टर्म में हम निकाल रहे हैं उन इंटीग्रेशन किसने वैल्यू में कितने डिफाइंड वैल्यू में हमें इंटीग्रेट करना है उस फंक्शन को वो हमें गिवन होता है तो डेफिनेट इंटीग्रल्स जो होते हैं हमें हमारे इंटीग्रल हैविंग लोअर एंड अपर लिमिट्स जब हमें लोअर और अपर लिमिट गिवन होती है एंड जो हमारा सोल्यूशन आता है ना ये डेफिनेट इंटीग्रल्स की टर्म में डेफिनेट आपको समझ ही आ रहा है डिफाइंड है तो वो हमारा जो सोल्यूशन आता है वो कॉन्स्टेंट आता है एंड ये बेसिकली हमें देता है कॉन्स्टेंट सोल्यूशन एंड अ कॉन्स्टेंट सोल्यूशन और यू कैन से रिजल्ट ऑन सॉल्विंग ठीक है लेट से जैसे अब हमने इनडेफिनेट में फंक्शन एक्स लिया था तो इसमें भी हम फंक्शन ऑफ एक्स ही ले, ले लेते हैं तो हमें एक फंक्शन ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स और डेफिनेट है तो हमें कुछ है, तो हमें हमें कुछ वैल्यूज गिवन गिवन जैसे है वन और टू ठीक है इसकी टर्म में हमें इस फंक्शन ऑफ एक्स का इन एक रेंज में इंटीग्रेट निकालना है तो फंक्शन ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन मैंने आपको बताया लेट से हमने कंसिडर किया ऑलरेडी की ऑफ एक्स है तो जो हमारा फंक्शन ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन ऑफ जियस आया बट इस g ऑफ x की वैल्यू जो होगी हमारी इसकी वैल्यू कुछ भी नहीं होगी इसकी वैल्यू हमारी इसी लिमिट में डिफाइंड होगी तो हम इसको यूजली डिनोट uh, करते हैं क्रॉस क्लोज ब्रैकेट्स के साथ और क्लोज ब्रैकेट्स में हमारी रेंज की वैल्यू है वन और टू वन टू टू हमें वन से टू तक निकालनी है वैल्यू तो मतलब क्या है इसका मतलब और कुछ नहीं है आपको क्या करना है आपको इस फंक्शन की वैल्यू पहले अपर लिमिट में जो गिवन है उसमें निकालनी है माइनस फिर लोअर लिमिट में वैल्यू निकालनी है तो आपको क्या करना है बस जी ऑफ एक्स की वैल्यू ये आपकी एक्स की वैल्यू है ठीक है एक्स आपका वन और टू में डिफाइंड है मतलब आपको फंक्शन ऑफ एक्स को इंटीग्रेट करना है जब एक्स की वैल्यू वन से टू तक है वन और टू वन से टू तक है तो जब आपने इसका निकाला इंटीग्रेशन जी ऑफ एक्स वन से टू तो आपको कुछ नहीं करना आपको पहले जी ऑफ टू निकालना है मतलब जो आपका वैल्यू होगी उसमें एक्स की वैल्यू टू पुट कर देनी है फिर माइनस अब लोअर लिमिट की वैल्यू पुट कर देनी है एक्स की जी ऑफ वन और जो इसका सोल्यूशन आएगा वो आपका इसका इंटीग्रेशन की वैल्यू होगी और देखोगे आप जब आप एक्स को टू और वन पुट करो तो कुछ कांस्टेंट ही आएगा तो डेफिनेट इंटीग्रल में हमेशा हमारा सोल्यूशन जो होता है वो कॉन्स्टेंट देता है और इनडेफिनेट में हमारा सोल्यूशन कॉन्स्टेंट नहीं आता तभी हम एक आर्बिट्री कॉन्स्टेंट सी डिनोट करते हैं ओके सो दीज व टाइप ऑफ इंटीग्रल्स मैंने आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग बता दी इंटीग्रल की कि इंटीग्रेशन हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये हमारे डिफ्रेंसिएशन से ही डिराइव हुआ है तो ये बेसिकली हमारा एंटी डिफ्रेंसिएशन और यू कैन सी द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंसिएशन होता है नेक्स्ट लेक्चर में हम जो बेसिक फॉर्मुलाज जो होते हैं हमारे जो हमने डिफ्रेंसिएशन में पढ़े थे वही फॉर्मूलाज हमारे इंटीग्रेशन में कैसे यूज होते हैं वो हम पढ़ेंगे सो नेक्स्ट लेक्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सारे हमारे एक्सरसाइज के पूरे चैप्टर के जो करेंगे वो बेसिक रूट है उसका आपको वो फॉर्मुलाज की अंडरस्टैंडिंग हो गई तो आप सारे क्वेश्चन इजिली सॉल्व कर लोगे तो नेक्स्ट वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट सो इस वीडियो में अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन आई आईट टू सब्सक्राइब टू द चैनल इन केस यू हैवन डन इट येट एंड लाइक द वीडियो थैंक यू